भारत में ओला और उबर का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे ही पीक आवर्स शुरू होते हैं इन कैब प्रोवाइडर्स का मनमाफिक फेयर वसूलना शुरू हो जाता है और बेचारे ग्राहक का हाल तो ऐसा है कि मरता क्या ना करता। अब घर तो जाना ही है तो जो भी फेयर ले लें देना ही होगा, क्योंकि पीक आवर्स में सफर करने का सर्च प्राइस चुकाना ही पड़ता है। फिलहाल इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है कि ये सर्च प्राइस बेस फेयर से कितना ज्यादा होना चाहिए। यही वजह है कि कई बार कंपनियां ग्राहकों से मनमाना फेयर वसूलती हैं, लेकिन अब सरकार कंपनियों की इस मनमानी पर रोक लगाने जा रही है। उम्मीद है कि सरकार ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर्स की तरफ से सर्च प्राइसिंग को बेस फेयर के 3 गुना तक सीमित कर सकती है। इसके साथ ही ड्राइवरों से कंपनियां जो कमीशन लेती हैं उसे भी 20% पर कैप किया जा सकता है। एक खबर के मुताबिक सर्च प्राइसिंग को दिन के कुछ निश्चित समय तक सीमित किया जाएगा, यानी दिन में कुछ ही घंटे या सीमित संख्या में राइडर्स पर ये सर्च प्राइसिंग लागू होगी। हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि दिन के किस समय इसे लागू किया जाएगा। साथ ही किराए का 80% ड्राइवरों को और 20% कैब एग्रीगेटर्स को मिलने का नियम भी लागू हो सकता है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक अगर राज्य चाहें तो एग्रीगेटर्स के कमीशन पर शुल्क लगा सकते हैं। ये नए नियम एक कमेटी की टैक्सी पॉलिसी गाइडलाइंस पर आधारित हैं, जिन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2016 में जारी किया था। पैनल ने उस समय सुझाव दिया था कि डायनेमिक प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए जो डिमांड और सप्लाई को मैच कर सके। कमेटी ने कहा था कि मैक्सिमम टैरिफ को मिनिमम टैरिफ से 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। रात को टैक्सी की उपलब्धता निश्चित करने के लिए टैरिफ को रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाने वाले मिनिमम टैरिफ के 4 गुना तक बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। सितंबर में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 के पास होने के बाद कैब एग्रीगेटर्स के लिए इन नियमों का प्रस्ताव लाया गया था। इस विधेयक में पहली बार कैब एग्रीगेटर्स को डिजिटल इंटरमीडियरी यानी मार्केट प्लेस माना गया था। इससे पहले इन कंपनियों को अलग एंटिटी नहीं माना जाता था, इस वजह से उबर और ओला ग्रे जोन में काम कर रही थी। नए नियम वैसे तो पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन राज्यों के पास इनमें बदलाव करने का भी अधिकार होगा। देश में कैब एग्रीगेटर्स को रेगुलेट करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है।